और इस किनारा यहाँ से यहाँ तक खजान टापू तक। देख रहे हैं हर एक दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, पूरी रिकॉर्ड ब्रेक हो रही है। जैसे जैसे अब 2 तारीख आएगा वैसे वैसे भीड़ और भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज हम काफी लेट हो चुके हैं, टाइम देख रहे हैं आज 9:10। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे, देख रहे हैं काले काले बादल पूरे छाए हुए हैं, भीड़ पूरे रिकॉर्ड बना के रखी है, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। हाईवे जाम है, मार्केट की जो दृश्य है रास्ते बंद है, पूरी तरह से हरिद्वार हाउसफुल चल रहा है, घाट हाउसफुल नहीं हरिद्वार हाउसफुल है। और ये जो भीड़ है ये आपको और भी नजर आएगी बढ़ते हुए, 1 तारीख को यहाँ पे और भी ज्यादा दिक्कतें होने वाली है क्योंकि जो परेशानी है अभी से दिखना स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख को पूरे रास्ते जाम होंगे, जगह जगह बैरियर लगे होंगे, जगह जगह रूट डाइवर्ट दिखाई देगा, काफी दिक्कतें होने वाली है। इसे कैसे बचे क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी जाम से ही अभी हो रहा है। देख रहे हैं हर एक घाट पे भीड़ है, हर एक किनारा हाउसफुल है। देख रहे हैं ऐसा कोई भी किनारा नहीं जहाँ पे आपको कुछ देर खड़े हो सके, बैठना बहुत दूर की बात है, खड़े हो सके इस तरह का दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हैं पूरे घाट हाउसफुल हो रखे हैं। और साथ में अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो होटल धर्मशाला की बुकिंग भी आप पहले कर लीजिएगा क्योंकि होटल धर्मशाला के लिए आपको नंबर चाहिए होगा, नंबर हम आपको इसी वीडियो पे दे देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। और इंस्टाग्राम फेसबुक में नए जुड़े तो फेसबुक में भी जुड़ जाइएगा। देख रहे हैं जल की धारा कितनी तेज है, जल काफ़ी तेज हो चुकी है, माँ गंगा की पवित्र धारा। और पवित्र जल को लेने के लिए लोगों की करोड़ों की संख्या में भीड़ आपको नजर आ रहा होगा, ये भीड़ लगातार बढ़ेगी जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है। और वीडियो पे बने रहे, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। पहले आपको हम घाट का दृश्य दिखाते हैं, फिर भोलों से भी बात कराएंगे, मार्केट का दृश्य दिखाएंगे, हाईवे का दृश्य दिखाएंगे और होटल धर्मशाला के भी नंबर इस वीडियो पे देंगे। देख रहे हैं कुछ इस तरह का दृश्य है इस घाटों का। और भीड़ आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नॉर्मल भीड़ अब नहीं है, कल तक का जो भीड़ था वो नॉर्मल था जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया था। अब जो भीड़ है वो एक हिसाब से सैलाब अब कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि अब जो भीड़ है वो उसी तरह का है। पूरे मार्केट में आपको जाम का दृश्य देखने को मिलेगा और मार्केट के साथ साथ जो हाईवे है उसमें भी। अभी आते वक्त अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आते वक्त आपको थोड़ा सा कम भीड़ नज़र आ रहा है, आपने वीडियो अभी देखा होगा। और उसके बाद जाओगे जब हरिद्वार से तो आपको काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलेगी, इससे आप बच सकते हैं। केवल एक ही ऑप्शन है वो भी हम आपको बताएंगे क्योंकि जो भीड़ है वही सबसे बड़ा अभी परेशानी का कारण बन रहा है। नॉर्मल श्रद्धालु के लिए जिनके पास बच्चे हैं या बुजुर्ग है वो इस भीड़ में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कैमरा उठा कर दिखाता हूँ। आप कमेंट करके बताएं ये नॉर्मल भीड़ है क्या। इस बार की जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो पिछले बार की तुलना में 2 गुना है। बड़े कावड़ आपको ये देख रहे हैं, ये जो दृश्य है ये मार्केट का है। इस मार्केट में चलना मुश्किल हो रहा है, घाटों पे भी चलना मुश्किल हो रहा है, खड़े होना मुश्किल हो रहा है, स्नान करना मुश्किल हो रहा है। देख रहे हैं इतनी भयंकर वाली भीड़ है। ऊपर आप देखेंगे होटल धर्मशाला है, नंबर हम आपको दे देंगे, 6 से 7 देंगे, पहले 1-2 देते थे। भीड़ ज़्यादा है तो क्वांटिटी भी हमने बढ़ा दी है ताकि आपको किसी बारे कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ की मार्केट है, देख रहे हैं कुछ इस तरह का दृश्य है। मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है वो बंद कर दिया गया है, मेन वाला। अब जो भीड़ है भीमगुड़ा की ओर से भी आ रहा है, अच्छी खासी भीड़ है। देख रहे हैं यहाँ पे कावड़ की दुकान है, यहाँ से मेडिकल कैंप जा सकते हैं, मेडिकल कैंप में यहाँ पे निःशुल्क दवाई आपको मिलेगा। ये आप देख रहे हैं भीमगुड़ा जाने के लिए मार्ग, ये वही रास्ता भी बंद कर दिया गया है भीमगुड़ा वाला, नहीं तो ये रास्ता बंद नहीं करते थे, अब ये वाला रास्ता भी बंद है। अब आपको यहाँ पे अगर इधर से आएंगे तो लगभग 500 मीटर मुश्किल चलना पड़ेगा, जहाँ चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इधर से आएंगे तो, लेकिन आप रेलवे स्टेशन से आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यहाँ से हम घाट में प्रवेश करेंगे, देख रहे हैं नीचे की ओर जा रहे हैं हम। और नीचे की ओर जाते वक्त भीड़ कितना है, ऐसे यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा बना दी गई है जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही है। देख रहे हैं पूरे घाटों का दृश्य, इस किनारे में थोड़ा कम भीड़ है, उस किनारे में भीड़ बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पूरे घाट फुल हो रखे हैं, पूरा भीड़ नजर आएगा इस वाले किनारे पे क्योंकि इस किनारे पे ही भोले सबसे ज़्यादा जाते हैं।
और इस किनारे पे जो चप्पल अलाउ होता है भीड़ से क्या सबसे ज़्यादा होता है इस किनारे पे यानी ब्रह्मकुंड वाले एरिया पे, यहाँ पे इस किनारे पे चप्पल जूता अलाउ नहीं होता तो लोग नहीं आ पाते, खास तौर पर भोले। देख रहे हैं यहाँ पे भीड़, ये नॉर्मल श्रद्धालुओं की भीड़ है, कुछ कुछ तो इसमें देख रहे हैं कुछ भोले भी जा रहे हैं इधर, लेकिन जल उठा नहीं पाएंगे इधर से। क्योंकि जल उठा के निकलने के लिए थोड़ा जगह चाहिए होता है, वो थोड़ा सा दिक्कतें होती है यहाँ पे। इधर से जल उठाते हैं सीधा अपना गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। देख रहे हैं पूरे घाटों में हाउसफुल नजर आ रहा होगा, पूरे घाट फुल है। देख रहे हैं आप इस तरह की तरह आके तो बिल्कुल भी ना करें आप। देख रहे हैं अच्छी खासी तेज धारा है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। देख रहे हैं इधर से लोगों की संख्या देख रहे हैं आ रहे, सारे भीमगोड़ा वाले हैं, भीमगोड़ा में स्टे किए हैं। भीमगोड़ा पे रुकने के 3 फायदे हैं, पहले तो आपको चलना कम पड़ेगा, दूसरा है वहाँ पे भीड़ कम होता है, और तीसरा कार की पार्किंग भी मिल जाता है। तो ये है भीमगोड़ा के पास स्टे करने के ऑप्शन और बेनिफिट। और अगर आप वही आप रुकेंगे अपर रोड में आप रूम मिलना मुश्किल है, और दूसरा चीज़ है कि वहाँ पर चलना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऊपर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, चलने के लिए धक्का मुक्की आपको खाना जरूरी हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से लोग छलांग लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं खड़े हुए हैं, वहाँ से लोग छलांग लगा रहे हैं आज। देख रहे हैं ब्रिजों पे खास पुलिस की तैनाती है ताकि लोग खड़ा ना हो, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के चक्कर में लोग खड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ पे जाम लग जाता है। देख रहे हैं यहाँ से पूरे घाटों का दृश्य, पूरे घाट फुल हो रखे हैं। देख रहे हैं ये घाट है, पूरी घाट हाउस फुल है, पैर रखने की भी जगह नहीं, चलना बहुत दूर की बात है आज। लेकिन आप दूसरा किनारा देखेंगे वहाँ पे लगभग सही भीड़ है, और कुछ बोले उधर गए भी हैं आज, क्योंकि भीड़ इधर सबसे ज़्यादा है और चलने के लिए दिक्कत हो रही है, और जल उठाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इधर सही है, इधर अच्छी खासी स्पेस है, आप इधर आके स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इधर नॉर्मल श्रद्धालु जाते हैं, क्योंकि चप्पल जूते इधर अलाउ नहीं होता। देख रहे हैं जल की धारा तेज है। अभी अब हरिद्वार आ रहे हैं, तो हरिद्वार आने का जो दृश्य है वो भी थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन 28-29 तारीख के बाद वन वे शुरू हो जाएगा, तो आपको उधर भी जाम नज़र आएगा। और जब आप हरिद्वार आ रहे हैं तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग निकलने का, दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच जाने का, और दूसरा यहाँ से भी आप ऐसे कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग निकलने का, तो आपको जाम तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, और हो सके जाम अगर मिले तो आप कोशिश करें रुड़की होते हुए जाने का, क्योंकि 35 किलोमीटर की जो जाम का जो भयंकर रूप है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे तो कहा जाए उधर भी जाम मिलेगा, लेकिन बस 10-5% ही मिलेगा, जो कि आपको हाईवे पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगा। वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का यहाँ पे अभी दृश्य बना हुआ है, पूरे घाट फूल है, घाटों का दृश्य कुछ अलग देखने को मिल रहा है अभी। और ये नॉर्मल है कहा जाए, हर एक साल कांवड़ यात्रा में होता है, लेकिन इस बार जो कांवड़ मेला है वो कुछ अलग ही लेवल पे है, अलग ही जोश जुनून दिखाई दे रहा है, और अलग ही भीड़ आपको नज़र आ रहा है। पिछले बार तुलना में जो भीड़ है इस बार ज़्यादा है, और साथ में अगर हम ये भी कहें कि आने वाले दिनों में यानी 1 तारीख को ये जो भीड़ है 4-5 गुना होने वाला है। अभी वीकेंड भी आ रहा है, वीकेंड में ही आपको भीड़ का अंदाज़ा लग जाएगा, और दूसरी है कि बड़ा स्नान भी आ रहा है, उसमें भीड़ आपको अच्छी खासी नज़र आएगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।